चलिए हम लोग आर्गुमेंट निकालने के सीखते हैं, आर्गुमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। देखिए आर्गुमेंट मीन्स होता है एक प्रकार एंगल, तो एंगल कैसे हम निकालेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर से, तो हम आज सीखेंगे कि कैसे एंगल निकाला जाएगा। देखिए आपको हम आप मालूम होगा कि कोऑर्डिनेट जो होता है चार पार्ट में डिवाइड हो जाता है। कोऑर्डिनेट जब चार पार्ट में डिवाइड होता है तो एक्स कोऑर्डिनेट वाई को नहीं फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, तो ये चार क्वाड्रेंट में डिवाइड हो जाता है। तो चार क्वाड्रेंट में जब डिवाइड हो जाता है तो इसको हम लोग ध्यान देना जरूरी है। यह एक्स यहाँ से ध्यान देंगे तो यहाँ से जो होता है आपका यहाँ से जीरो से स्टार्ट होता है और यहाँ पर 90 पे जाकर ख़त्म होता है। यह 90 से स्टार्ट होता है 180 पे ख़त्म होता है। यह 180 से स्टार्ट होता है 270 पे ख़त्म होता है। यह 270 से स्टार्ट होकर यह 360 पे ख़त्म होता है। तो देखिए यही आपको क्या होता है कि आपको मिलेगा कोऑर्डिनेट जो क्वाड्रेंट के फॉर्म में डिवाइड कर दिया चार फॉर्म में, तो यही आपको बताएगा कि कैसे एंगल निकाले। ध्यान देंगे कि हम लोग आर्गुमेंट जो निकलने वाला है पाई माइनस पाई से पाई तक ही जाता है। मतलब कहने का मतलब कि यहाँ से इधर जाएगा, इसके बाद यहाँ से इधर मुड़ जाएगा माइनस की तरफ। तो आर्गुमेंट अब वो निकालते हैं तो ही निकाले। ध्यान देंगे कि अगर हम ध्यान अगर मान लीजिए आर्गुमेंट निकाल रहे हैं तो यहाँ पर रखा जाता है, यहाँ पर अब बताए थे कुछ पार्ट बताए थे, एक फर्स्ट पार्ट आपको वीडियो बनाए थे तो आपको मालूम चलता था। उस पर हम क्वेश्चन डायरेक्ट कर रहे हैं, उसको वीडियो देख लीजिएगा आर्गुमेंट को। तो हम क्वेश्चन पे कर रहे हैं कि क्वेश्चन के आधार पर आपको समझ जाइए तो ध्यान देंगे। अब मान लीजिए कि हम एक कॉम्प्लेक्स नंबर लिख रहे हैं टू अ प्लस टू आयोटा, तो लिख दी इसको एंगल निकालना है तो टेन हो जाएगा। ध्यान देंगे टेन इक्वल टू हो जाएगा आपका टेन इनवर्स एक्स बाई वाई का मॉडुलस होता है। यह देखिए ध्यान देंगे इसका जो हम आर्गुमेंट निकालेंगे, आर्गुमेंट को शॉर्ट फॉर्म में आर्गो जेड लिख देते हैं। तो इसको अगर निकालेंगे तो देखिए यह ए भी प्लस में भी प्लस में, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपको लाइक करेगा। एक्स के मान भी प्लस में और आई के भी मान भी प्लस में हैं जो कॉम्प्लेक्स नंबर इंडिकेट कर रहा है। तो दोनों का इसमें इसका मैं ईमान इसमें लाइक करने वाला है। अब क्या था इसका मान लाइक करेगा तो इसमें कोई माइनस प्लस नहीं कर सकते हैं कि ये सब कहा था इसी यह जो डिफाइंड है आपको एक ही एंगल के लिए ही डिफाइंड है, मतलब कि 0 से 90 बीच के अंदर डिफाइंड ही है। तो क्या करेंगे यहाँ पर इसको अगर लिखेंगे टेन इनवर्स 2/2, मतलब टू कटेगा तो हो जाएगा टेन इनवर्स आपको हो जाएगा 1 और 1 को हो जाएगा 45, 45 को बोलते हैं पाई बाई 4, मतलब कि 45 को दूसरा नाम होता है पाई बाई 4, क्योंकि पाई इक्वल टू होता है 180। अगर 4 से इसको भागा दे देंगे तो पाई बाई 4 इक्वल टू हो जाएगा 45। मतलब कि आपको यह इसका जो मान होगा, इसका आर्गुमेंट जो निकलेगा यह आपको 45 मान आएगा, है ना। अगर दूसरा अगर ले रहे हैं यहीं पर अगर माइनस कर दे रहे हैं, ध्यान देंगे इसी को अगर माइनस कर दिया जा रहा है तो 2 माइनस 2 आयोटा हो जाएगा। तो देखिए y के मान नेगेटिव हो गए, x के मान जो हो जाएगा 2 और y के मान नेगेटिव हो तो 21 क्वाड्रेंट में लाई करेगा, 3 क्वाड्रेंट में ये फोर्थ में लाई करेगा। तो फोर्थ में जस्ट बताएं कि फोर्थ में अगर हम लेंगे तो कहा था यहाँ से देखिए यहाँ से 1 से और 0 से जाएंगे पाई, तब यहाँ यह लेते हैं और यहाँ से जब माइनस में आता तो यहाँ सही से चला जाते हैं। तब यह आ गया माइनस में बताने लगा, इसका मतलब कि टेन इनवर्स जो हो जाएगा आपका टेन इनवर्स तो एक्स बाई वाई बाई हो जाएगा आपका एक्स, वाई बाई हो जाएगा आपका एक्स, तो वाई बाई एक्स हो जाता है माइनस होता है मॉडुलस लगने का कोई दिक्कत नहीं होगा। मतलब यह इंडिकेट कर रहा है कि फोर्थ क्वार्टर में जाएगा, टेन जब फोर्थ में क्या होता है नेगेटिव, तो जब नेगेटिव हो जाएगा ध्यान देंगे तो यहाँ पर जो आएगा आपका तो इसको हम लिखेंगे 2/2, मतलब हो जाएगा टेन इनवर्स हो जाएगा 1, तो 1 हो जाएगा तो इसका हो जाएगा पाई बाई 4, मतलब जब बाहरी आएगा तब हो जाएगा माइनस पाई बाई 4। तो माइनस पाई बार इंडिकेट कर रहा है कि यह एंटी क्लॉक वाइज, वह क्लॉक वाइज चल रहा था, यह एंटी क्लॉक वाइज चलने लगा, यह आपका चल रहा था एंटी क्लॉक वाइज, यह चलने लगा आपका क्लॉक वाइज। तो आई होप आप समझे होंगे कि हम जब पाई से आगे बढ़ते हैं तो माइनस की ओर बढ़ जाते हैं, इसलिए क्या करेंगे हम उसको क्लॉक वाइज लेते हैं, इसको एंटी क्लॉक वाइज लेते हैं। तो यह आपको माइनस में आ गया माइनस 45, तो माइनस 45 को लिखते हैं माइनस पाई बाई 4। तो देखिए आर्गुमेंट निकालना बहुत ईजी है, अब उसमें देखना पड़ता है कि यह किस क्वाड्रेंट में जा रहा है,
फर्स्ट क्वाड्रेंट में जा रहा था, अगर मान ले फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाएगा तो हम क्या था वह आपका यह इस पाई बाई फोर के मतलब 0 और 90 के बीच में आएगा। तो उसको हम लोग क्या करते हैं डायरेक्ट लिखते हैं टेन इनवर्स लिख लेते हैं का वाई बाई एक्स आ जाएगा। और जब सेकेंड में जाएगा तो उसमें पाई में से घटा लेते हैं टेन इनवर्स वाई बाई एक्स। अगर इस थर्ड में चला गया तो उसको हम लोग कर लेते हैं माइनस प्लस पाई बाई मतलब उसमें पाई में माइनस पाई में से हम टेन इनवर्स घटाते हैं। उसके बाद इसको अगर मान लें फोर्थ में चला गया तो टेन माइनस टेन इनवर्स वाई बाई एक्स लिख लेते हैं। तो यह अगर कॉन्सेप्ट आपको दिमाग में है तीनों चारों जो कॉन्सेप्ट हैं और किस क्वाड्रेंट में लाइक कर रहता है तो आपको आसानी से बना सकते हैं। तो आई होप आप समझे होंगे, इस पर आप क्वेश्चंस बहुत बनाइए क्योंकि आपको जेई मेंस से लेकर आईआईटी और का 11th क्लास के और अदर कॉम्पिटिशन एग्जाम के लिए बहुत इस भूमिका निभाएगा। और आप अच्छा हुआ जब आप खुद से बनाकर आपका रिजल्ट अच्छा आएगा तो आप बहुत खुश होइएगा, है कि नहीं। ये कोई चीज़ हार्ड नहीं होता है, कोई चीज़ इजी नहीं होता है, बस हम उस पर कितना वर्क कर रहे हैं। अगर वर्क करेंगे तो इजी हो जाता है, अगर वर्क नहीं करेंगे तो हार्ड हो जाता है। और जब हार्ड हो जाता है तो ज़िंदगी बहुत मुश्किल हो जाता है। इसलिए आपको ज़िंदगी को इजी बनाइए। और आज रक्षाबंधन है, अपने भाई के साथ बहन के साथ मौज मस्ती कीजिए। तब तक मिलेगा नए वीडियो में, आज के लिए इतने। जय हिंद।